कंट्रोवर्सी किंग महेश भट्ट की ये हैं 10 अनसुनी बातें। आज भी इकलौते बेटे संग नहीं बनती लव, सेक्स और धोखा जैसी थीम्स पर अपनी फिल्मों को हिट करवाने वाले जाने माने डायरेक्टर महेश भट्ट का कल यानी 20 सितंबर को जन्मदिन है। वह इस साल अपना 70वां जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। उनका जन्म बॉम्बे स्टेट में साल 1948 को हुआ था। ऐसे में उनके जन्मदिन से एक दिन पहले बात करेंगे उनसे जुड़े ये 10 खास किस्सों के बारे में। एक, महेश भट्ट अपने माता पिता की बिना शादी की औलाद हैं। यही वजह है कि महेश भट्ट ने भी शादी जैसी रस्मों को कभी ज्यादा अहमियत नहीं दी। दो, महेश भट्ट को 20 साल की उम्र में कॉलेज में लोरिया ब्राइट से प्यार हुआ, जिन्हें आज किरण भट्ट के नाम से जानते हैं। किरण से ही पूजा और राहुल भट्ट जन्मे हैं, लेकिन महेश का अफेयर एक ट्रेस परवीन बॉबी से होने के चलते इनके रिश्ते में दरार आ गई। तीन, लेकिन परवीन से ज्यादा बात नहीं बन पाई और इसके बाद उनकी जिंदगी में एक ट्रेस आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान ने एंट्री की। बता दें कि सोनी से अफेयर के दौरान किरण और महेश एक साथ ही रहते थे, लेकिन महेश ने किरण को बिना तलाक दिए ही सोनी से शादी कर ली। चार, ये तो खैर सभी जानते हैं कि महेश अपनी बेटी पूजा भट्ट के साथ लिप टू लिप किस करने के चलते सुर्खियों में आए थे। इस बात की चर्चा पूरे बॉलीवुड में हो रही थी। महेश ने एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा था कि अगर पूजा उनकी बेटी न होती वे उससे शादी कर लेते। पाँच, जाने माने फिल्म मेकर मोहित सूरी महेश भट्ट के भांजे हैं। दरअसल महेश की बहन की मौत के बाद से मोहित मामा महेश भट्ट संग ही रहे हैं। वहीं सीरियल के सर एक्टर इमरान हाशमी रिश्ते में महेश भट्ट के भतीजे लगते हैं। सब मिलाकर देखा जाए तो इमरान, पूजा, आलिया, राहुल और मोहित सब आपस में भाई बहन हैं। छह, अब बात करेंगे महेश भट्ट की दूसरी बेटी शाहीन भट्ट की, जो लाइमलाइट से दूर ही रहती हैं। लेकिन शायद ही आपको पता हो कि शाहीन जहर और जिस्म दो जैसी फिल्मों के सीन लिख चुकी हैं। फिल्म राज टीम में वे एक बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर भी रह चुकी हैं। सात, महेश के छोटे भाई मुकेश भट्ट एक प्रोड्यूसर हैं जो विनोद खन्ना से शूटिंग बार बार कैंसिल करने के चलते परेशान हो गए थे। इसके बाद उन्होंने विनोद खन्ना के साथ फिल्म करने से पैर पीछे खींच लिए। आठ, महेश के सबसे छोटे भाई का नाम रॉबिन भट्ट है जो जाने माने स्क्रिप्ट राइटर हैं। रॉबिन कई फिल्मों में एक्टिंग करते भी नजर आए हैं, जिसमें फिल्म हम है राही, प्यार के गुमराह और सन्नाडे जैसी फिल्में शामिल हैं। नौ, बहुत कम लोग जानते हैं कि 90 के दशक में आई सुपरहिट फिल्म आशिकी महेश भट्ट की लव लाइफ पर आधारित थी। वहीं फिल्म वो लम्हे में महेश और परवीन बॉबी की लव स्टोरी दिखाई गई थी। दस, बता दें कि किरण से हुए बेटे राहुल भट्ट से महेश के रिश्ते आज भी मधुर नहीं हैं। राहुल महेश की इस बात से खफा हैं कि वे उनकी जरूरत में कभी साथ खड़े नहीं हुए।